स्कूल में आमिर खान कैसे हुआ करते थे? क्या आपकी कोई क्रश थी इन स्कूल? हाँ, हाँ, मेरी क्रश थी? थी? कभी बोल पाए वैसे? नहीं, मैं नहीं बोल पाया. मैं एक्चुअली 11 साल का था. हाँ. और एक लड़की थी जो मुझे बहुत क्यूट लगती थी. तो उसको मैं दूर से देखता था सिर्फ, और बस मैं दूर से, साइलेंट लव था मेरा. और मैं ना उसको बोल पाया ना किसी को बोल पाया. मम्मी तक तो बात पहुंचा देते. सो तो बट इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग. ये मैं आपको बता सकता हूँ, करीबन एक साल तक मेरा हर मोमेंट जो है वो बहुत खूबसूरत गुजरा, क्योंकि आप उसके बारे में सोचते हो, सारे अच्छे ख्याल आते हैं आपको. उड़ता ही फिर. हाँ, उड़ता ही फिरो. उड़ता ही फिरों का एग्जैक्ट ये आपने पकड़ा है. और कभी कभी वो कुछ उससे बात हो जाए, बाय मिस्टेक उसने आपसे कुछ मांग लिया, तो आपको लगता है यार मजा आ गया, लाइफ इज मेड. सो इट्स अ वेरी वंडरफुल, यू नो, टू फॉल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ वंडरफुल फीलिंग. डू यू नो वेयर शी इज नाउ? अभी आपको पता है? आई नो, आई मेट हर आल्सो. ओह, एंड यू अब बोला? नहीं नहीं, अब नहीं बोला. मैं कैसे बोलूं, मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कॉपी के लास्ट पन्ने पे तुम्हारा नाम लिख के आगे मिसेस खान जोड़ देता था. लड़कियां करती है वैसे, पता है ना? नहीं, बट मैं, मेरी हिम्मत आज तक नहीं हुई है उसको बताने की. और चूंकि हम रेडियो पे हैं, अब ज्यादा सवाल इसके बारे में ना पूछें तो बेहतर होगा. बहुत लोग सुनते हैं ये. लकली वो इंडिया में नहीं रहती. ओ, हाँ, अब तो हम, मुझे टेंशन नहीं. अब हम भी यूट्यूब पे हैं.